नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड में मुंजा गांव के पास बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग द्वारा 2,60,00,000 की लागत से पार्को पाइप का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि सारण तटबंध को सुरक्षित रखा जा सके, जिसको लेकर विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। दरअसल गोपालगंज जिले के लोग बाढ़ और कटाव की विभीषिका से काफी परेशान रहते हैं। बाढ़ और कटाव ने न जाने कितने ही लोगों के घर और कई एकड़ जमीन को अपने आगोश में ले लिया है। वहीं विभाग द्वारा हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर कटवारोधी कार्य किए जाते हैं। एक बार फिर बाढ़ के पूर्व विभाग द्वारा सारण तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए बैकुंठपुर प्रखंड में मुंजा गांव के पास गंडक नदी के किनारे 2,60,00,000 की लागत से पार्को पाइप का निर्माण कर कटावरोधी कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग के SDO सचिन कुमार ने बताया कि 25 फरवरी से यह कार्य शुरू हुआ था, जिसे 15 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम लोग पूरा कर लेंगे। काम किए जा रहे हैं और कब तक खत्म होना है, कितने की लागत से ये कार्य किया जा रहा है? ये कार्य 25/2/2023 को शुरू हुआ है कार्य, और 15/5/2023 तक कम्प्लीट कर लेना काम। इसमें दो नेचर का वर्क है, एक जियो बैग गैबियन का कार्य है जो NC बेस बनाकर किया जाना है, और परकोपाइन का कार्य है। जियो बैग गैबियन का कार्य पूर्ण कर चुके हैं हम लोग, और परकोपाइन कास्टिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है, और परकोपाइन लेइंग का कार्य हो रहा है। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साइड मिलाकर 460 मीटर में कार्य किए जाने थे। 100 मीटर अप स्ट्रीम का कार्य बचा हुआ है, जिसको 15/5 से पहले पूर्ण कर लेंगे। कब से शुरू हुआ था ये? ये 25 फरवरी से कार्य शुरू हुआ है। और इतना जल्दी खत्म कर देंगे? हाँ, कार्य पूर्ण कर ले जाएगा। लेट से भी हुआ है। हाँ, ये कास्टिंग का कार्य होता है कि इसे कंक्रीट का वर्क है, और एक प्रॉपर डे तक क्यूरिंग करते हैं इसको, उसके बाद इसको लगाते हैं। तो क्यूरिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब बस सिर्फ लेइंग का कार्य बचा हुआ है, इसको समय से पहले पूर्ण कर देंगे। कितनी लागत से किया गया है? ये 2 करोड़ का अप्रोक्स का है एस्टिमेट, और ये कार्य 15/5 तक पूर्ण कर लेंगे हम लोग। क्या इस कार्य को करने से कितना मतलब बाढ़ सुरक्षित रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये पिछले साल जो काफी कटाव हुआ यहाँ पे अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, काफी लूप बनाकर कटाव किया था, और ये 100% सेफ होगा कार्य करने के बाद, और यहाँ के बाद कटाव रुक जाएगी। ये मेरा नाम सचिन कुमार। बरौली थाना क्षेत्र के बिशनपुर बाजार में मंगलवार की दोपहर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई। मामले की जांच शुरू कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के शेख परसा गांव निवासी शिवजी प्रसाद के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार रोज की तरह अपने दुकान पर बैठा था, तभी मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश मौके पर पहुंचे और उनके सिर में गोली मार दी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से आसानी से फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद व्यवसायियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर स्थिति नियंत्रण में किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई। पुलिस की टीम यहाँ आ गई, और जो पता चला कि एक दुकानदार को दो अपराधी लगभग थे जिन्होंने गोली मार दी है। उनमें से एक अपराधी को हम लोगों ने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है, और हम लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया हुआ है, जो कि जैसे ही ये सिचुएशन से हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से फ्री होते हैं तो हम लोग ऑलरेडी एक टीम है और एक टीम और उससे जांच पड़ताल करेगी, और जल्द से जल्द हम लोग इसमें बाकी जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसको अरेस्ट करेंगे। कटिया थाना क्षेत्र के चौतरवा गांव में मंगलवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष से आधा दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि कटिया थाना क्षेत्र के चौतरवा गांव में एक वर्ष पूर्व दोनों पक्षों में
चार कट्ठा जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार मारपीट हो चुकी है। भोरे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के मुखिया कविता देवी को गिरफ्तार कर लिया है। कविता देवी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और चुनाव जीतकर मुखिया बनने का आरोप था। इस मामले में तत्कालीन सीआई सह राजस्व कर्मचारी धनंजय सिंह की गिरफ्तारी भी होनी तय है। वहीं जात प्रमाण पत्र जारी करने वाले सीओ चंद्रभान कुमार की मुश्किलें भी इस मामले में अब काफी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी के बाद मुखिया समर्थकों के साथ मुखिया संघ भी काफी आक्रोश में है। मुखिया संघ के अध्यक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बताते चलें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में गोपालपुर पंचायत से मथौली निवासी बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी कविता देवी चुनाव लड़ी थी, जिसमें उनके द्वारा ससुराल को मायके बताकर फर्जी पते पर जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया गया था। इस जात प्रमाण पत्र की जांच राजस्व कर्मचारी धनंजय सिंह के द्वारा कराई गई, जबकि इसे निर्गत सीओ चंद्रभान कुमार ने किया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया और इसके बाद चुनाव लड़कर विजयी भी हुई। लेकिन मुश्किलों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनसे चुनाव हारने वाली संजू प्रजापति जात प्रमाण पत्र को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करती रहीं। कोई कार्रवाई नहीं होने पर संजू प्रजापति के पति संतोष प्रजापति ने गोपालगंज कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कोर्ट के आदेश पर स्थानीय थाने में मुखिया कविता देवी, सीओ चंद्रभान कुमार, तत्कालीन सीआई धनंजय कुमार सिंह के खिलाफ 13 सितंबर 2022 को भोरे थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में दो दिन पहले ही कोर्ट ने कविता देवी और राजस्व कर्मचारी धनंजय कुमार सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया था, जबकि चंद्रभान कुमार की संलिप्तता की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारंट के आधार पर विजयपुर में छापेमारी करते हुए कविता देवी को महिला पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तत्काल ही कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। श्रीपुर ओपी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मिसिर बतहा के पास 3 पिकअप वैन को पकड़ा, जिसमें 28 पशुओं को क्रूरतापूर्वक तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इन गाड़ियों पर सवार 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 4 पशु तस्कर मीरगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जिनका नाम कामरान अंसारी, बाबुद्दीन अंसारी, रियाजुद्दीन और इरफान अंसारी है। इनको पकड़ने के लिए एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में पुलिस ने अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया और अब ये सभी लोगों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जादवपुर थाना क्षेत्र के रजवाही दियारा इलाके में जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रैक्टर के ट्राली में बने हुए तहखाने से 180 मिलीलीटर का 983 अदद बोतल विदेशी शराब, जिसकी मात्रा 178.7 लीटर बताया जा रहा है, तथा 13 अदद रॉयल स्टैग 750 मिलीलीटर विदेशी शराब, जिसकी मात्रा तकरीबन 10 लीटर और 24 पीस बियर आधा लीटर, जिसकी कुल मात्रा 12 लीटर बताई जा रही है। इस छापेमारी में तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, क्योंकि शराब तस्कर अर्धरात्रि में ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए, जिसकी वजह से पुलिस ने शराब और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और तस्कर की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक जेडीएस पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां सीबीएसई पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम एनसीईआरटी क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर बीपीएल फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS Public School and Pratap Coaching Center, Ramnath Path, Saraswati Nagar, Ward number 12, Gopalganj. क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पॉलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में, ऊपरी मंजिल सिनेमा रोड गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल
दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां सीबीएसई पैटर्न पर क्लास प्ले टू नाइन तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, सीसीटीवी एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ सेंट पॉल्स स्कूल सासामुसा गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लैप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा समाहरणालय कार्यालय कक्ष में राजस्व, आपदा, भू अर्जन, विकास, सामान्य शाखा, सामाजिक सुरक्षा और नगर परिषद के कार्यों की क्रमवार विधिवत समीक्षा बैठक की गई। संबंधित बैठक में विभाग द्वारा अद्यतन प्रगति, हो रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग के विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समयबद्ध अवधि में अपर समाहर्ता को निर्देशित किया गया। साथ ही इस संदर्भ में संबंधित अंचल पदाधिकारी और राजस्व कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कुआं के जीर्णोद्धार के तरीके में आवश्यक बदलाव के निर्देश दिए। ये भी निर्देश दिया कि गांव में जहां नाला नहीं बन सका है, वहां सोख्ता निर्माण पंचायतवार प्लानिंग कर कितने निर्माण की आवश्यकता है का रिपोर्ट तैयार करने और निर्मित सोख्ता का रंग रोगन कराकर उस पर स्वच्छता का स्लोगन लिखने का निर्देश दिया। महिला हेल्पलाइन और बाल संरक्षण में कन्या विवाह योजना, परवरिश, विधवा, तलाकशुदा महिला आदि की योजनाओं के लाभ का विस्तृत ब्यौरा जिला पदाधिकारी द्वारा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता सुनील कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह आपदा प्रबंधन शाखा प्रभारी संजीव कुमार सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल राशिद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS शिवा कुमारी, कार्यपालक अभियंता PHED शिवशंकर दयाल सहित संबंधित विभागों के प्रधान उपस्थित रहे। आगामी 13 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राकेश मालवी की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के नए भवन स्थित सभागार में विभिन्न सत्र न्यायालयों में लंबित मोटर दुर्घटना वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन वास्ते तैयारी हेतु बैठक की गई। बैठक में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक, बीमा कंपनियों के अधिवक्ता, दावाकर्ता के अधिवक्ता आदि मौजूद रहे। विभिन्न वादों में बीमा कंपनी और दावाकर्ता के अधिवक्ता के बीच सुलह समझौते की बिंदु पे चर्चा की गई। जिला और सत्र न्यायाधीश श्री राकेश मालवी द्वारा बीमा कंपनियों को MSCT वादों में सकारात्मक पहल कर वादों के निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।